तो जब चींटी के ऊपर हाथी बैठता होगा तो हमें पता चल रहा है क्या एहसास होता है। क्या है, वेलकम बैक टू माय चैनल शुमारे ब्लॉग्स। कैसा लगा? तो दिन के बदले तीन और आज है सिस्टर का बर्थडे, तो इसलिए बाहर जल्दी डेकोरेशन, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। तो बर्थडे गर्ल खुद ही काम करती हुई अपने बर्थडे के दिन। वाह भाई वाह। और यहाँ पीछे लग चुके हैं बैलून्स, आधे बैलून्स रखे हैं अभी अंदर और मजा आ गया, तो अंदर लेके चलते हैं। भंडार ही भंडार, वाह भाई वाह। देखो बात सारी ये है, मैं तो खाने वाला हूँ खाना, क्योंकि मैंने दिन में से अभी खाना नहीं खाया, मैं सो गया था, अभी उठा हूँ 3 बजे। और ये अपने बर्थडे में खुद ही काम करने वाले हैं। हाँ तो खाना खाता हूँ फिर उसके बाद में। काम करने के बाद थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी था, इसलिए हमारे सोफे का डिज़ाइन चेंज हो गया है। हम कहीं लेटे हुए नहीं हैं, हम बैठे हुए हैं। ये देखो ये खिड़की, कहीं तुम सोचो आराम से लेटे हुए हैं गद्दे पे, गद्दा हमारा वहाँ से उठा के हमने यहाँ रखा है। काम चल रहा है ना, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बर्थडे के दिन बर्थडे गर्ल से ही काम करवाना हमारी आदत सी हो गई। अच्छा के टाइम बर्थडे गर्ल को फिर से लूटा गया और मंगाया गया कुछ खाने के लिए। देखो बर्थडे के दिन ऐसी होता है, जिसका बर्थडे होता है तो लूटना ही पड़ता है पूरा अच्छे तरीके से। दो मुंह गया फिर से चपेट में आते हुए आज का दिन। तो जब चींटी के ऊपर हाथी बैठता होगा तो हमें पता चल रहा है क्या एहसास होता है। सेलिब्रेशन आराम से हो गया था, बहुत इंजॉय किया और नेक्स्ट मॉर्निंग में आपका स्वागत है। तो मैं सोचता था दो सेलिब्रेशन एक साथ कर सकते हैं। जब भी मैं सैड होता हूँ या कुछ भी, तो मैं आपको जरूर बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, तो हैप्पीनेस क्यों नहीं शेयर कर सकता। तो इसलिए बर्थडे सेलिब्रेशन, शादी, वेडिंग्स, ये सब मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा। आप भी एक मेरी फैमिली मेम्बर ही हो। और एक चीज़ और, दो सेलिब्रेशन एक साथ इसलिए, एक तो बर्थडे का, दूसरा आज मेरी ब्लॉगिंग एक्सेसरीज कंप्लीट हो गई है और इसको जल्दी से सेटअप करेंगे, इसका बिल्कुल एक एक एक्सेसरीज लगाकर फिर चेक करेंगे कैसा लगता है। फिर मतलब दिल से खुशी होती है, मतलब यार
तो ये सब आपका प्यार है और कुछ नहीं, जो है ये मैं तभी लेकर आया हूँ। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, नए फैमिली मेंबर बने, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो, और कुछ नहीं बोल सकता। देखो, बोला बाहर वालों से जाता है, आप तो मेरे फैमिली मेंबर्स, आप तो जानते ही आपको क्या करना है और कैसे करना है। मेरी याद लाने की आदत बहुत और रहेगी। आज एक्सेसरीज पूरी अटैच करेंगे, इसमें ट्राइपॉड सब कुछ लगाएंगे, फिर आप देखो होगा कि मैं इसी रूम से स्टार्ट करता हूँ, यहीं से ख़त्म। ये मेरा ही रूम है और ये गिटार मेरे भाई का है, और यही है अपना बेड, अपना डेस्कटॉप, सब कुछ इसी रूम में है। तो स्टार्टिंग भी यहीं से और एंड भी यहीं से, तो इसको सब कुछ कनेक्ट जोड़ते हैं। और फिर बताना मेरा ब्लॉगिंग सेटअप कैसा है। तो नेक्स्ट ब्लॉग इसका ही होगा, मेरा ब्लॉगिंग सेटअप का। तो थोड़ी बात बैठ के भी हो सकती है। तो इसमें तो है माइक, इसमें है ट्राइपॉड होल्डर और एक प्लस शूट, ये वाला जिसमें माइक लगेगा। एक ये मेरा नया वाला ट्राइपॉड और ये मेरा पुराना वाला, इसने मेरा बहुत साथ दिया। तो मैं सोच रहा था बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे मेरे फैमिली मेम्बर बने रहो, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और स्टे होम स्टे सेफ, अपना ख्याल रखो, तभी मैं हूँ। तब तक के लिए बाय।